अगर मान लो कि तुम्हारा कोई पिक्चर है, फोटो है, वो फोटो अगर कंप्यूटर में लोड किया हुआ है और उस फोटो को अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर काम करना चाहते हो तो उसको कैसे लेते हैं? तो किसी भी पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पिक्चर का, देख सकते हैं हम लोग सभी, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम है पिक्चर। हम लोग इस पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं हमको यहां पर एक ऑप्शन और मिलता है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम। यहां पर हमको दो ऑप्शन मिलता है, दिस डिवाइस या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। तो पहले तो हम बताएंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो फोटो है अगर उस फोटो को हम यहां पर लेना चाहें तो कैसे लेंगे, उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर भी बताएंगे। तो मान लो कंप्यूटर में हमारा जो फोटो उसको लेना है तो उसके लिए हम लोग दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो जैसे हम दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहां देख सकते हो कि ये मेरा कंप्यूटर का मेमोरी जो है इधर खुल गया, इधर दिखा रहा है। अब तुम्हारा फोटो कहां रखा हुआ है, डेस्कटॉप पर, डाउनलोड में या फिर डॉक्यूमेंट में, जहां भी है वहां से हम ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरा फोटो जो है कुछ डाउनलोड में है, डाउनलोड से हम अपना फोटो लेकर दिखाते हैं क्योंकि हमारा वीडियो यूट्यूब में जाएगा, अगर किसी और का फोटो वगैरह लेंगे तो उसमें क्लेम आ सकता है। इसके लिए हम डाउनलोड में क्लिक किए, डाउनलोड में देख सकते हो कि नीचे जो है कुछ फोटो वगैरह दिखाई दे रहा है, जितना फोटो हम डाउनलोड करके रखे, देखो यहाँ पर सभी फोटो आ रहा है। देखो यहाँ पर मेरा कुछ थंबनेल बनाने के लिए अपना पिक्चर यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखो अपना फोटो भी हम लगा सकते हैं ना। अपना फोटो लेने का मतलब ये भी होता है कि देखो अपना फोटो को एमएस वर्ड में लाके काम कर सकते हैं। इसके अगल बगल में हम लोग को ये बटन मिलता है, इस बटन से हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर गोल है, यहाँ पर भी तुम लोग को एक बटन टाइप का नजर आ रहा होगा, इस जगह में भी दिख रहा है, उसके बाद यहाँ भी देखो एक बटन है। इसके साथ ही साथ यहाँ जो है इस जगह में तुम लोग को एक तीर नजर आ रहा होगा, इस तीर से हम लोग फोटो को घुरा सकते हैं। कैसे घुराते हैं दिखाते हैं। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इस तीर के ऊपर जाओगे, देखो इस तरह से फोटो को हम लोग घुरा सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। अब देखो इस फोटो को हम इधर ले जाना चाह रहे हैं, टान रहे जा रहे हैं, नहीं जा रहा। इस फोटो को इधर मूव करने के लिए यहां हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट का, इस रैप टेक्स्ट में क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां कई तरह का ऑप्शन हम लोग को मिलता है, यहां से किसी भी एक ऑप्शन पर तुम क्लिक करोगे ये पहला वाला को छोड़कर तो ये फोटो तुम्हारा मूव करने लगता है। तो हम यहां से इसको कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस ऑप्शन को ले लेते हैं। चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किए, देखो मेरा फोटो इधर उधर मूव करने लगा, अभी ये मूव नहीं कर रहा था ना। तो याद रखोगे टेक्स्ट रैपिंग से कोई भी यहां से ऑप्शन ले सकते हो, जिस देखो इस बार हम स्क्वायर पर क्लिक किए फिर भी ये मूव कर रहा है, लेकिन ये पहला वाला ऑप्शन ले लोगे इन लाइन विद टेक्स्ट तब ये मूव करना बंद कर देता है। अब जो है इसको मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिए। इसके बाद देखो इस फोटो को सजाने के लिए यहां पर तुमको बहुत तरह का ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट के अंदर में। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अगर किसी फोटो का बैकग्राउंड है तो उसका बैकग्राउंड भी हम लोग हटा सकते हैं। इसके ऊपर हम एक अलग क्लास लेंगे और बताएंगे कि कैसे हम लोग एमएस वर्ड से बैकग्राउंड को हटाते हैं। फिलहाल आज हम लोग जस्ट सेटिंग सीख रहे हैं। यहां देखो फोटो को करेक्शन करने के लिए यहां पर एक ऑप्शन मिलता है हमको करेक्शन का, इस करेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही करेक्शन के ऊपर क्लिक किए, देखो यहां पर मेरा फोटो अलग अलग स्टाइल में आ गया, यहां से जो अच्छा लगता है यहां से ले सकते हैं। देखो मेरा नॉर्मल फोटो था ना, लेकिन यहां से मुझको कितना फिल्टर चाहिए, कितना ये चाहिए, हम उसको यहां से लगा सकते हैं। मान लो हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, ये ठीक है या ये ठीक है, इसको ले लेंगे। इसके बाद अगर फोटो का कलर चेंज करना है, देखो यहाँ कलर का ऑप्शन भी दिया, मान लो हम ब्लैक पहने, हमको ब्लैक शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो हम अपना टी शर्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए देखो यहाँ कलर का एक ऑप्शन मिलता है, चलो इस पर क्लिक करते हैं। देखो कलर में गए, यहाँ पर देखो अलग अलग तरह का कलर का हमको ड्रेस मिल जाता है, जो भी तुमको अच्छा लगता है, जैसे मान लो ये वाला ले लिया। उसके बाद फिर से हम करेक्शन में गए, यहाँ से इसको भी फिल्टर कर सकते हैं कि और इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है हमको, अपना देख लिया यहाँ ये वाला, इसको ले लिया। फिर कलर में गए, यहाँ से देखिए कोई दूसरा सा, तो यहाँ पर तरह तरह का दिया हुआ है, एकदम इंडियन टीम का क्रिकेटर का तरह भी ड्रेस बना सकते हो। अब देखो नीचे में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, ये ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट, माने कलाकार लोग जो इफेक्ट देता है ना, उस तरह का इफेक्ट भी हम लोग अपना फोटो में लगा सकते हैं, किसी भी फोटो में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये आर्टिस्टिक इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखो फोटो अगर ब्लर करना है तो ब्लर कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, और किसी का चेहरा नहीं दिखाना है तो इस तरह से। तो यहाँ पर कई तरह का ऑप्शन तुमको मिल जाता है आर्टिस्टिक इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ से हम लोग फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से फ्रेम वगैरह लगाना है तो यहाँ से हम लोग फ्रेम को ले सकते हैं, जो फ्रेम में अच्छा लगे उस फ्रेम में फोटो को बंद कर सकते हो, फोटो का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर भी तुम लोग ले सकते हो। देखो अपना मन से बॉर्डर ले लिए, यहाँ से बॉर्डर का जो कलर चाहिए वो कलर ले लेंगे। तो ये पिक्चर लेने के बाद कई तरह का यहाँ से ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगर पिक्चर का स्टाइल चाहिए तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और पिक्चर का बॉर्डर वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे, और पिक्चर का लेआउट यहाँ से चेंज होता है। तो हर चीज को एक बार क्लिक करके तुम लोग को दिखा देते। ये तो समझ में आ गया कलर, और यहाँ से हम लोग बॉर्डर, कितना मोटा बॉर्डर चाहिए यहाँ से चूज कर लो। और मान लो किसी किसी को इस तरह का बॉर्डर पसंद होता है डैशेज वाला, तो डैशेज वाला पे क्लिक करोगे तो ये डैशेज बॉर्डर ही आएगा। फिलहाल देखो अभी ये यहाँ पर क्लिक कर डैश वाला आ रहा है, ये ऑप्शन बंद पड़ा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्टाइल लिया ना उस स्टाइल में ये लागू नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पहले जैसा था वैसा कर देंगे। मान लो ये फोटो जैसा था इसको वैसा ही करना है ताकि हम अपना मन से यहाँ से कोई इफेक्ट ले सके। तो इस जगह पर देखो एक बटन दिया हुआ छोटा सा, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो ये रीसेट हो गया। क्या हो गया? रीसेट। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर साइज पर क्लिक करो, उसका जो साइज था वही साइज भी चला आएगा। तो चलो हम लोग इसको रीसेट कर लिए हैं। रीसेट करने के बाद अब यहां से तुम्हें जो भी इफेक्ट लेना है, बॉर्डर लेना, अब लो देखो यहां से ये बॉर्डर लिए। अब मान लो इस बॉर्डर में हमको डॉट वाला बॉर्डर चाहिए, यहां गए देखो डॉट वाला पे क्लिक, डॉट वाला आ गया। उसके बाद इसका यहां से कलर चेंज कर लिए। पिक्चर इफेक्ट में गए, यहां से देखो पहले से कुछ इफेक्ट बना हुआ है, जैसे इस इफेक्ट को लेते हो ये पिक्चर में ये चेंज हो रहा है। हम पिक्चर को थोड़ा इधर कर देते हैं, यहाँ देखो अब पिक्चर को इधर करने के बाद थोड़ा सा छोटा भी कर देते ताकि तुम लोगों को इफेक्ट समझ में भी आए। तो यहां रखते हैं पिक्चर को। अब पिक्चर इफेक्ट में गए, ये देखो प्रीसेट पहले से बना हुआ है कुछ स्टाइल, इसको प्रीसेट कहते हैं। देखो इसके ऊपर जा रही है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना, देख रहे हो ना। उसी तरह से शैडो ऑप्शन है। अब शैडो ऑप्शन क्या काम करता है, उसके लिए थोड़ा फोटो को हम यहां कर देते हैं। तो शैडो में आ गए, देखो नीचे छाया आ रहा है ना, तो हम लोग इसका शैडो भी ले सकते हैं। देख सकते हो नीचे में जैसे इस पर क्लिक किए, तो क्लिक करने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को इसका छाया आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग छाया वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं शैडो से। तो चलो रिफ्लेक्शन लेना है, लेकिन उसके लिए हम लोग शैडो को यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है नो शैडो, इसको क्लिक करोगे तो शैडो हट जाएगा। तो रिफ्लेक्शन को यूज करने से पहले शैडो पर क्लिक करके इसको हम हटा देते हैं। फिर से पिक्चर इफेक्ट में देखो रिफ्लेक्शन, यहाँ पर देखो नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना मेरे फोटो का, दिखाई दे रहा है। जिस रिफ्लेक्शन पे जाओगे वैसा तुमको रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। ये रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक। इस ग्लो को समझाने के लिए इस बॉर्डर को पहले हम हटा देते हैं। बॉर्डर को हटाने के लिए पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ नो आउटलाइन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, देखो बॉर्डर हट गया। अब इस पिक्चर में हम ग्लो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जरूरत पड़ता है हम लोग को। देखो यहाँ तरह तरह का ग्लो ऑप्शन दिया हुआ है ना, मान लो यहां से अगर पसंद ना आए ग्लो ऑप्शन, ग्लो का मतलब देखो पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है, देख सकते हो मेरे पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर यहाँ लग गया है। अगर यहां से पसंद ना आए तो यहां दिया हुआ है ग्लो ऑप्शन, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। पिक्चर इफेक्ट ग्लो, देखो ग्लो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां ध्यान दोगे सभी लोग, यहां पर देखो तुमको मिलता है कलर, दिखाई दे रहा है, और ये कलर का भी दिखा रहा है व्हाइट है। तो हम लोग यहां क्लिक करेंगे जिस कलर से उसको ग्लो कराना उस कलर पर क्लिक कर दिए, देखो येल्लो, येल्लो आ गया। और येल्लो के बाद में ये जो ग्लो कर रहा है इसका साइज को यहां से हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो यहां पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, और ये कितना इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगा वो भी यहां से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। क्या है ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह देखो दिखाते हैं। सबसे पहले साइज को बड़ा करने के लिए यहां देखो ये जूम करते हैं, यहां एक बटन मिलता है इस पर क्लिक करोगे तो 10 11 12 ये बढ़ रहा है ना। इधर देखो जब हम इधर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो फोटो का ग्लो भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है।
तो फोटो का ग्लो को हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ देखो नीचे से हम इसको क्लिक करके कम कर दे, तो जितना जरूरत तुम लोग ट्रांसपेरेंसी देखो क्या काम करता है, धीरे धीरे करके वो लाइट होता जाएगा, जितना बढ़ाओगे उतना देखो येल्लो लाइट हो रहा है, येल्लो कलर जो लाइट होते जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी तुम यहां से डायरेक्ट टान के भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसी तरह साइज को यहां पर क्लिक करके इधर टान के भी बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। ये फोटो को सजाने में बहुत मदद करता है हम लोग का। उसके बाद देखो पिक्चर इफेक्ट में, अब देखो सॉफ्ट एज मतलब इसका जो किनारा है फोटो का वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। कैसे काम करता है उसके लिए हम लोग यहाँ सॉफ्ट एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी देखो यहाँ पर सॉफ्ट एज का खुल गया ना, अब कुछ देर पहले तुम लोग यहाँ दिखा रहे थे, देखो सॉफ्ट एज आ गया। यहाँ पर प्री सेट है, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करो, देखो मेरा फोटो सॉफ्ट एज होकर पूरा गायब हो गया, उसका किनारा जो है सॉफ्ट मतलब कटने लगता है किनारा, समझ में आ गया, ये सॉफ्ट एज हुआ। सॉफ्ट एज के बाद देखो नेक्स्ट है 3D फॉर्मेट, जो हमको यहां भी मिलेगा 3D फॉर्मेट, तो हम यहां से ही दिखाते हैं। तो वो यहां क्लिक किए, नेक्स्ट ऑप्शन बीवेल का, उसके बाद 3D रोटेशन का है। बीवेल ऑप्शन क्या काम करता है इसको देखो, यहां पर जो भी ऑप्शन है जो पूरा बढ़िया पिक्चर होता है तो ये काम करता, हालांकि इस पिक्चर का बैकग्राउंड हटाया हुआ है इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, दूसरा कोई फोटो लेकर करोगे तो समझ में आएगा। 3D रोटेशन इसको घुरा सकते हो 3D स्टाइल में आराम से, बस इस पे जाने से ही ये काम करेगा, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बच्चा भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ क्लिक करने से ये फोटो इस तरह से काम करता। अब मान लो इसको मैनुअली अगर करना है तो वो तुम लोग को सीखना पड़ता, उसके लिए देखो यहाँ पर जो 3D रोटेशन ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे ये वाला थोड़ा सीखने वाला। देखो 3D रोटेशन ऑप्शन में मान लो ये फोटो है, इस फोटो को घुराना है तो यहाँ पर देखो कई तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड रोटेशन, इस तरह से मिल जाता है ना। तो हम लोग को क्या करना है इसको घुराने के लिए, सिंपली देखो यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखो फोटो आस्ते आस्ते करके देखो ये उल्टा हो गया, इधर था उधर हो गया, फिर से उसको जैसा करना यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करके घुरा सकते हैं। तुम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, अगर तुमको मालूम है इतना डिग्री में ऐसा दिखेगा तो यहाँ पर सिंपली टाइप करो, जैसे मैं इसको यहाँ पर मिटाकर देखो 0 डिग्री लिख दी, ये ऐसे हो गया। अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री लिखते हैं तो देखो ये टेढ़ा हो गया, तो सीधा हो गया है। 180 लिखोगे ये देखो उल्टा हो जाएगा। मान लो इस फोटो को हम कॉपी कर लेते, कॉपी करने के लिए कंट्रोल बटन दबा कर रखो, इसको टानोगे देखो एक और बन गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला फोटो का मुंह इधर घुरा रहे, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे, पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, 3D रोटेशन में जाएंगे, अब यही काम करेगा। अब यहां से तुमको आइडिया है, इधर इसको क्लिक करने से ये इधर घुरेगा, तो इस तरह से तुम लोग अपना डबल रोल भी बना सकते हो। दोनों फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी क्लिक किए, इसको भी क्लिक, तो दोनों सिलेक्ट हो गया ना। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबा के दोनों फोटो के ऊपर क्लिक करोगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अब पिक्चर लेआउट में यहाँ जाओ, देखो दोनों छोटा हो गया, अलग अलग स्टाइल ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए, ये वाला स्टाइल हमको अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर क्लिक करके जो भी लिखना है यहाँ लिख देते हैं जैसे, और यहाँ पर लिख देते हैं क्लिक करके अजय। तो इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो इस तरह से फोटो भी ले सकते हैं। फिर से इंसर्ट में जाते हैं, ये देखो ये जो पिक्चर्स बताए थे ये पिक्चर्स हम लिए थे डिवाइस से, ये मेरे कंप्यूटर में था, लेकिन मान लो तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट में तुमको फोटो का जरूरत पड़ गया, तो वो फोटो तुमको कहां से मिलेगा, इंटरनेट में सर्च करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारे लिए यहीं पर ऑनलाइन सर्विस ला दिया है, ऑनलाइन पिक्चर्स यहीं मिल जाता है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे पिक्चर में गए, ऑनलाइन पिक्चर्स में क्लिक किए, देखो यहाँ पर एक विंडो खुल रहा है, खुल गया, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ देखो गैलरी बना हुआ, तुमको क्या चाहिए इस गैलरी से भी तुम लोग पसंद कर सकते हो। अगर गैलरी से पसंद ना आए तो यहाँ पर सर्च बॉक्स है, यहाँ पर टाइप करके ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर लो। हाँ, यहाँ से एप्पल को चूज कर लेते हैं और ये वाला एप्पल पर क्लिक करते हैं, देखो आ गया ना। उसी तरह से तो टाइगर लिखे, देखो टाइगर आ गया। मान लो हमको ये वाला टाइगर का फोटो चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, देखो टाइगर आ गया ना। पिक्चर के बाद में यहाँ देखो और एक चीज बताते हैं, 3D मॉडल्स क्या है। तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट में 3D मॉडल्स भी ले सकते हो। यहाँ पर तरह तरह का 3D मॉडल्स दिया हुआ है, जो भी मॉडल्स चाहिए यहाँ से तुम ले सकते हो। यहाँ देखो
एनिमेटेड मॉडल्स भी मिलता है तुमको, जिसमें यहाँ पर एनिमेटेड लिखा रहेगा वो मॉडल्स एनिमेटेड रहेगा, मतलब वो वर्ल्ड में आकर नाचेगा गाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एनिमेटेड में हम क्लिक कर दिए, मान लो तुम टीचर हो, तुम पढ़ा रहे हो हार्ट के बारे में, तो हार्ट पे क्लिक किए, इंसर्ट बटन पे क्लिक किए, लोडिंग होगा वो एक टीचर के लिए। देखो लोड हो चुका है ये, लोड होने के बाद देखो मेरा 3D मॉडल्स आ गया। इसको फायदा ये है कि स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए तुम सॉफ्ट कॉपी बना के दे सकते हो कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। मजे का बात ये है कि सामने से ही नहीं, इसको घुरा फिरा के भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसको इस तरह से हम लोग घुरा के भी चेक कर सकते हैं। देखो पीछे से ये कैसा दिखता है। और भी बहुत सारी चीज है जो मिल जाता है, जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, इंसर्ट में गए, 3D मॉडल्स, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं पूरा डिटेल्स में, जिसको नहीं आएगा वहां से देख सकते हो।